यूजी डबल्यू के एग्जाम को लगभग एक महीना रह गया है, क्या होनी चाहिए इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो पाए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। तो यहां पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेई हो गया है या वो अभी अपियर होने वाले हैं और जिनका पेपर उतना खास नहीं गया है, तो उनके लिए एक अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का यूजी डबल्यू एग्जाम, जो कि हमें यहाँ के डुअल डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रोवाइड करता है। तो इस एग्जाम में अगर आप अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमको ध्यान में रखना है, तो चलिए वो बात कर लेते हैं। कौन से एरिया पर सबसे पहले हमें फोकस करना है, तो जैसा कि हम एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं, एसयूपीआर और आरईएपी दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। अब यहाँ पे पहले एसयूपीआर की बात कर लेते हैं। तो एसयूपीआर हमारा जो है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहलाता है और ये लगभग 50 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हमें अपने 100% एफर्ट्स डालने हैं। ये बात ध्यान रखिए कि आपको इसमें अपने 100% एफर्ट्स डालने हैं और यहाँ पे आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपका जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी उतना आप जो है इस सेक्शन में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स का काफी हैवी वेटेज होता है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री, तो इन दो सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जिससे कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा कर पाओ। अच्छा, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, साथ ही साथ जो केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होती है उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। और तो और इसमें जो जेई मेंस के आपके जो पीवाईक्यूज है उनको भी अच्छे से लगा करके जाइए, जिससे कि आप इस एग्जाम के जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इजीली आप टैकल कर पाए। तो ये बात कर ली हमने सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है हमारा 50 मार्क्स वेटेज वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड। आइए अब बात कर लेते हैं आरईएपी सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको जस्ट डबल एफर्ट्स लगाने हैं, जितना एफर्ट्स आपने यहाँ पे लगाया उसका ही आपको यहाँ पर एफर्ट्स को 2x कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेटेज है वो भी पिछले सेक्शन के मुकाबले जस्ट डबल है, जो कि है 100 मार्क्स का। तो इस सेक्शन में आपको खास फोकस करना है अपने मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग पर। तो ये सेक्शन जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों ही सेक्शंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे हमेशा जो है आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करना है। अच्छा, जो आप यहाँ पे मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट रिसोर्सेस क्या होते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो देखिए यहाँ पे आप बिटसेट के जो एलआर के क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको जो है उनका लेवल इसी के ही आसपास नजर आता है। और साथ ही साथ अगर आपको इंटरनेट पे कुछ कैट लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनकी भी जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैट लेवल थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट साइड पे हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे तो अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर साइड में भी आती है तो भी आप उसको इजीली फेस कर सकते हो। इसलिए जो है इन दो रिसोर्सेस को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इसके सैंपल क्वेश्चंस हमें कहाँ पे देखने को मिल सकते, तो देखिए इनके सैंपल क्वेश्चंस जो दोनों ही सेक्शंस के हैं एसयूपीआर और आरईएपी के, तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स अटैच कर दी है, तो डेफिनेटली जाकर के उनको जरूर देख सकते हो आप। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यहाँ पे अगर आप वीआईटी ट्रिपल ई या बिटसेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे दो कोर्सेस VIT ट्रिपल ई 2024 सेवियर बैच और यहाँ पे बिटसेट क्रैश कोर्स शिखर बैच आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। VIT ट्रिपल ई का जो सेवियर बैच है इसमें खास फोकस किया गया है शॉर्ट ट्रिक्स, साथ ही साथ एप्टीट्यूड और इंग्लिश पर, और इसके अलावा आपको यहाँ पर खासकर 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं VIT की प्रैक्टिस के लिए। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को चेकआउट कीजिए, क्योंकि VIT का एग्जाम भी जो है मुश्किल से 15 से 20 दिन दूर ही है, तो यहाँ पे ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। वहीं पर ही अगर हम बिटसेट की बात करें तो बिटसेट क्रैश कोर्स शिखर बैच आपकी बिटसेट की प्रिपरेशन को एनहांस करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसमें खासकर सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, तो डेफिनेटली आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सभी की डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डिस्काउंट कूपन कोड्स भी है, तो जरूर से जो है एनरोल करते टाइम उनको अप्लाई कीजिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स की जो कि हमको यूजी डबल्यू की प्रिपरेशन करते टाइम पे इन लास्ट 30 डेज में ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला जरूरी बात है कि आरईएपी सेक्शन जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है उस पर हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि यहां से हम जितने ज्यादा मार्क्स लेकर के आएंगे उतना ही हम अपने ओवरऑल रिजल्ट को बेटर कर पाएंगे।
हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में हमें SUPR और REAP दोनों के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम पे इस बात का ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। लगभग आपके 1/4 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आते हैं तो। इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम पे आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो आपको उनके मॉक टेस्ट जरूर छोड़ाने चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पेपर के लेवल का आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग लग पाती है कि पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या ट्रेंड है, किस तरीके से किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। एक और बात का आपको ख्याल रखना जरूरी है कि आपके जो बेसिक्स है, इस टाइम पे आपको अपने बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, प्रॉपरली ब्रश अप कीजिए, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलेज है उनको भी अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितना आप अपने बेसिक्स पे स्ट्रांग रहेंगे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे, उतनी ही आसानी से आप UGEE के क्वेश्चंस को भी क्रैक कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये बात ध्यान रखिए कि REAP में आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे आप, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपको एल्जेब्रा से भी देखने को मिल सकते हैं, ज्योमेट्री से देखने को मिल सकते हैं, तो इनकी भी जो है आपको खास प्रैक्टिस करके जानी है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी शॉर्टलिस्टिंग और रैंकिंग होगी वो दोनों ही थोड़ा अलग अलग प्रोसेस से होगी। शॉर्टलिस्टिंग आपकी REAP और SUPR सेक्शंस के बेस्ड पे होगी, और वहीं पर ही जो REAP की रहेगी उसके आधार पे आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। तो यहाँ पे दोनों ही सेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन REAP ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए भी आपको साथ ही साथ प्रिपरेशन करनी है, तो उस बात को भी अपने फोकस में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको इन लास्ट 30 डेज पर ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक्स क्लियर कीजिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, UGEE के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हम डेफिनेटली आने वाले वीडियोस में UGEE से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस, रिसोर्सेस वगैरह लाने की जरूर कोशिश करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रोवाइड करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। एक खास बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि UGEE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एक फ्री मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, तो उस मॉक टेस्ट को जाकर के जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। हमने इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी है, तो जब आप इस मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे आप किस प्रकार के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जब आप इस लेवल पे प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को भी क्रैक कर पाएंगे। हम लगातार इस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पर ला रहे हैं बियॉन्ड JEE पर, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।